जय हिंद साथियों, मैं भी बलराम शर्मा आपके अपने परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, आज हमने आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है और इसका मकसद केवल और केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी के रेलवे से रिलेटेड, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सब से रिलेटेड एक एक सीरीज वाइज शिफ्ट वाइज में हम आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चा, जैसे आज लेकर आए हम आपके लिए एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हुए थे उनको बहुत जबरदस्त तरीके से निकाल करके लेके आए हैं और जिसके लिए आपको आसान हो बस वो तरीका हम ढूंढ रहे हैं जिससे चीजें आपको पढ़नी आसानी हो और तुरंत आपके माइंड में जाके क्या हो बच्चा, एडजस्ट हो जाए और कम से कम आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये वीडियोस बहुत कम समय में बनाई जाएंगी, तो 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको डेली मिलेगी दोस्तों, जिसमें शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, कोई नोट्स नहीं बनाने, बस इन वीडियोस को आराम से ईयरफोन लेके आराम से बैठकर सुनना है, देखना है कि कैसे कैसे हमारे पेपर्स में क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, है ना बच्चा। तो देखें आज की बात स्टार्ट करते हैं बढ़िया क्वेश्चन से। 13 क्वेश्चन ये आए हैं। बात करें टोटल जीएस की, बात करेंगे नंबर 1 की, बात करते हैं साइमन कमीशन। जी हां, साइमन कमीशन भारत कब आया था ये पूछा गया है, तो याद रखना 3 फरवरी 1928। क्या कहा? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। याद रहेगी बात बच्चा, क्या कहा? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नंबर 2 सवाल पर चलते हैं। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? तो याद रखेंगे भारतीय ध्वज विदेश में 1907 को फहराया गया। चलिए जरा 1857 की पूर्ण समाप्ति की बात करें। 1857 की क्रांति जो थी वो पूर्ण समाप्त कब हुई थी बच्चा? याद रखेंगे 1 नवंबर 1858 को। क्या बताया? 1 नवंबर 1858 को 1857 की क्रांति का पूर्ण कंप्लीट समाप्त हो गई थी, है ना। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया। ये पूछा गया कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तो याद रखेंगे आप तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया था। भारत का प्रथम हाई कोर्ट कलकत्ता, देखिए याद रखें भारत के प्रथम और अंतिम जरूर पूछे जाएंगे आपसे, या भारत के प्रथम पुरुष और प्रथम महिला, इसको भी मैं 1-2 दिन में वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आप उसको पढ़ेंगे। तो देखिए जरा बच्चा, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कहाँ पर बना? कलकत्ता यानी कोलकाता में खोला गया। उसके बाद चलते हैं सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। याद रखेंगे यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? याद रखेंगे नरेंद्र मोदी ने। कहां किया था? पानीपत हरियाणा में किया था। और कब किया था? 2015 में किया था बच्चा, याद रखें, लिखा हुआ है सामने। सरदार सरोवर बांध, याद रखें यह कहां पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आगे की बात करें सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहां पर मिलता है, तो याद रखें ओडिशा। ओडिशा में भरपूर बॉक्साइट मिलता है। बात समझ में आ गई, जहां का व्यवसाय का भी प्रमुख ये कार्य है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो याद रखना एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी की प्रमुख नदी होती है चंबल नदी, जिसने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल घेर के रखा है। तो गांधी सागर बांध एमपी में बना हुआ है चंबल नदी के ऊपर। दोस्तों बात करें आरटीआई एक्ट 12, देखो आरटीआई एक्ट की अगर हम बात करें तो कब बनाया गया? 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू किया गया। याद रखना आरटीआई एक्ट लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। बच्चा अगर बात करें तन्यता किसका धर्म है, तो याद रखें धातु का धातु कर्म है, धातु का गुण धर्म है। तन्यता क्या होता है? धातुओं को तोड़ करके लंबे तार बनाए जाते हैं, वही क्या कहलाती है, या धातुओं के बजाने पर आवाज नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं, या आघात वर्धनता भी बोलते हैं। ये दोनों गुण किसके होते हैं? मेटल्स के होते हैं। बच्चा बात करें मुगल शासक अकबर की, तो याद रखना इसको तो हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ चुके भी हैं, हिस्ट्री की क्लासेस में अपनी जॉब की चल रही है रेगुलर। मुगल शासक अकबर की बात करें तो अकबर का राज्याभिषेक कब हो जाता है? 14 फरवरी 1556 को ये गद्दी पर बैठाए जाते हैं। दोस्तों बात करें अकबर की तो याद रखना, और ये कहां पर बैठाया गया था याद रखना, पंजाब के, जल्दी से बताएं। मैंने आपको पढ़ाया अकबर को डीपली, तो जवाब देना आपका बनता है बच्चा, तो बताना जरा ये जो राज्याभिषेक हुआ था, ये इस राज्याभिषेक की बहुत मुख्य बात ये थी कि ये राज्याभिषेक ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। कहां पर हुआ था? ईंटों के सिंहासन पर हुआ था। और याद रखें पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक जगह है भैया कलनौर, कलनौर में हुआ था। और इसको विधिवत पूरा किया था, मैंने बताया आपको विधिवत पूरा किया था किसने?
अब्दुल कासिम ने। भैया बात समझ में आ रही है? अकबर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अगर बात करें अकबर के गुरु की, तो अकबर के गुरु का नाम क्या हो जाता है जल्दी से? शिराजी। इसमें पढ़ रखा है, डेली पढ़ता है, घर जाके उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली होगी। बात करें अगर पुत्रों की, तो कौन कौन से कितने पुत्र हो जाते हैं याद रखना? सलीम, और कौन हो जाता है? मुराद। और कौन हो जाता है इसका पुत्र बताना? दानियाल। जी हाँ, ये तीनों उनके पुत्र थे, लेकिन सबसे प्रिय सलीम था, जो आगे गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, बात करें भैया इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था जल्दी से बताओ? जलाल। क्या नाम था बचपन का? जलाल। और पत्नी कौन थी भैया? याद रखना रुकैया बेगम। रुकैया बेगम 1551 में इनकी शादी हुई थी। बात समझ में आ रही है? और संरक्षक कौन था? ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करा रहा हूँ उसके बारे में। संरक्षक कौन था भैया? बैरम खां। और गलत फहमियों की वजह से या पेटीकोट शासन में रहने के कारण ये 1556 से 61 तक रहे, 61 के बाद चले गए और हज को चले गए थे। हज में जाते हुए इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। समझ में आ रही है बात? मोहम्मद के द्वारा। तो इनका भी यहाँ पर एंड हो जाता है। बात समझ में आ गई बात भैया? तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसी सीरीज आपको डेली मिलेगी। तो सीरीज में दोस्तों बने रहिए, और मात्र बहुत छोटी सी ये लेक्चर बनेगा, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।